अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ अर्सा पहले हम ड्रीम वर्ल्ड कराची पार्क में गए थे और लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ, तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ वहाँ की कुछ मेमोरीज़। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक कोरोना था और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो हम बहुत सारे जो वहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड में कैटेगरीज़ थी उसको हम मतलब अवेल कर ही नहीं सके। जैसे स्विमिंग पूल था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वो हम अवेल नहीं कर सके, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो हमने विज़िट की और हमें बहुत मज़ा आया। तो ये हम वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद हम अंदर लाउंज में गए। तो जी यहाँ पे हम सब लोगों को बैंड्स मिल चुके थे अंदर जाने के लिए। ये एक तरह का पास था, जो लोग अंदर जा रहे थे ड्रीम वर्ल्ड में तो ये उन लोगों को पास दिया गया था, बच्चों को भी दिया गया, बड़ों को भी दिया गया, तो ये सबके पास था। ये देखिए जी, मिलने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर हम अपना टूर स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने बड़ों ने बहुत खूब एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया और वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। आइए आपको भी दिखाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था और व्यूज़ भी बहुत ही खूबसूरत थे, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ना सिर्फ ये कि बच्चों ने झूले लिए, बच्चों ने राइड्स ली, मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्जॉय की जो आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह, और मौसम भी बहुत इन्जॉय किया।
जी एरोस को तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, छोटे बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि हमें भी करवाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है उनसे तो उठाया भी नहीं जा रहा था। बहरहाल आपने देखा सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो वहाँ से निकल के हम अब अपनी नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं कि देखें वो हमें कहाँ लेके जाते हैं। हमारे पास एक जो है स्पेशल आदमी भी था जो हमें गाइड कर रहा था कि हमने कहाँ कहाँ जाना है और हम क्या क्या जो राइड्स हैं या जो चीज़ें हैं जो इंजॉय कर सकते हैं। जी वहाँ से निकल के हम यहाँ पे बच्चों को राइड्स दिलाने आए। ये पहली चीज़ थी जो बच्चों के लिए स्पेशली थी, इसलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वरना जो भी चीज़ें थी वो बड़ों के लिए थी। तो वो उन्होंने बहुत खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया यहाँ पे। वहाँ से फारिग हो के हम उनके डाइन इन वाले एरिया में आए। यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए लंच रेडी किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे लंच किया जो कि अच्छा था, मज़ेदार था, सबने एंजॉय किया। वैसे भी घूम घूम के भूख जो है बहुत शदीद लगी हुई थी, तो इसलिए सबने दबा के खाया।
इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।